गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, सेक्टर 92 गुड़गांव में आरओएफ ग्रुप का अमल्टास प्रोजेक्ट। ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2 BHK प्लस स्टडी और 1 BHK के अपार्टमेंट हैं। तो आज हम लोग अपने साइट विजिट को स्टार्ट करते हैं गुड़गांव के राजीव चौक से और पहुंचते हैं अपनी साइट पर और बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट को। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी साइट विजिट आरओएफ अमल्टास सेक्टर 92 की। और अभी हम लोग गुड़गांव के राजीव चौक फ्लाईओवर के साथ में खड़े हुए हैं और हमारा फेस इस वक्त जयपुर की तरफ है। तो हम लोग अपनी साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं हीरो होंडा चौक पर। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 33-34 है। हमारे राइट साइड में ये बेस्ट ट्रैक का साइबर पार्क है। हमारे लेफ्ट साइड में ये डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग है जो एसपीआर पर है। हम लोग टोल के पास में पहुंच रहे हैं। हल्दीराम के पास में खिड़की जोला टोल है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये सदर्न पेरिफेरल रोड है आपके। यहाँ से डीलेप अल्मीडा, डीलेप कॉर्पोरेट ग्रीन के लिए जाते हैं और यहाँ से हम लोग सोना रोड के लिए भी जा सकते हैं। और हम लोग अब हल्दीराम के पास में खिड़की धौला टोल पर पहुंच चुके हैं। और यहां से जयपुर जो है वो 222 किलोमीटर है। और हम लोग टोल टैक्स के बाद में फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर चढ़ चुके हैं। हमारे राइट साइड में वाटिका इंडिया नेक्स्ट की टाउनशिप है। और अब हम लोग सेकंड फ्लाईओवर के पास में पहुंच चुके हैं। हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चलेंगे, हम लोग इसके नीचे से लेफ्ट लेंगे। हम लोग आगे से इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे डीएलएफ की तरफ में। हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो सेक्टर 78-79 की तरफ जाते हैं जहां पर सुपरटेक, गोदरेज के और मैप्सको के प्रोजेक्ट हैं। हम लोग यहां से राइट टर्न ले रहे हैं। और अब हम लोग डीएलएफ की टाउनशिप गार्डन सिटी के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ये आपका डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है। ये आपका बेस्ट का पार्क व्यू आनंदा प्रोजेक्ट है। और ये सामने गोल चक्कर है। हम लोग इस गोल चक्कर से जो है लेफ्ट टर्न लेंगे सेक्टर 86 की तरफ में
और ये हमने लेफ्ट टर्न ले लिया सेक्टर 86 की तरफ में। सामने आप देख रहे हैं ये सेक्टर 86 का न्यू टाउन हाइट्स है। राइट टर्न पे हम लोग सेक्टर 91, 92, 95 और पटौदी रोड के लिए जाते हैं। हमारे राइट साइड में ये सेक्टर 90 है और ये आपका सेक्टर 90 में न्यू टाउन हाइट्स है। न्यू टाउन हाइट्स बेसिकली यहाँ पर गार्डन सिटी के अंदर तीन सेक्टर्स में हैं, सेक्टर 86, 90 और 91 में। तो अभी हम लोग सेक्टर 90 के सामने, न्यू टाउन हाइट्स के सामने खड़े हैं। सामने आप देख रहे हैं ये बेस्टेक का पार्क व्यू संस्कृति अपार्टमेंट है। लोग अब यहां से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में राव भारत सिंह इंटरनेशनल स्कूल है। हमारे सामने अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग सेक्टर 91 के न्यू टाउन हाइट्स के पास में हैं। तो अब हम लोग यहाँ से वापस यूटर्न ले लेते हैं। यूटर्न लेते ही हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, आरएफ अमल्टास सेक्टर 92। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 92 में अपने प्रोजेक्ट आरओएफ अमल्टास की साइट पर। जी हाँ, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता है ये आरओएफ का मतलब क्या होता है। आरओएफ का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है रियलिटी अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर। जी हाँ, आरओएफ बेसिकली पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में है और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस कंपनी के जो ओनर हैं वो मिस्टर मंगल मित्तल जी हैं। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इस वक्त वो मिस्टर मोहित मित्तल जी हैं और मिस्टर मुकेश कुमार हैं। आरओएफ बेसिकली पिछले 10 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। इन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 44 में कई कमर्शियल बिल्डिंग्स को बनाया है। आरओएफ ने 2015 में पहली बार अफोर्डेबल के अंदर अपना कदम रखा था और ये अपने पहले प्रोजेक्ट आरओएफ अलाया सेक्टर 102 को लेकर आए थे। सेक्टर 2 में जो इनका पहला प्रोजेक्ट था वो 5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद में इन्होंने सेक्टर 95 में आरओएफ आनंदा के नाम से इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लेके आए और अभी आरओएफ जो है अपने तीसरे प्रोजेक्ट आरओएफ अमल्टास को लेकर सेक्टर 92 में आए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो 5.0125 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 729 अपार्टमेंट्स हैं। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो नैनी रिसोर्ट एंड फ्लोरिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 37 है जो इनको 28 फरवरी 2019 को मिला था। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 6 मई 2019 को आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 32 है जो मई 2019 में आरएफ अमल्टास को मिला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 729 अपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 टाइप के 2 BHK प्लस स्टडी और 3 टाइप के 1 BHK हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK के टोटल 177 अपार्टमेंट हैं और 2 BHK प्लस स्टडी के 552 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 6 टावर हैं जिसमें आपके कुछ टावर एक फ्लोर पे जिसमें 8 अपार्टमेंट हैं और कुछ टावर्स में एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट हैं। इस टावर की टोटल जो हाइट है उसमें कुछ टावर जी प्लस 13 फ्लोर के, कुछ जी प्लस 14 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनवाड़ी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल प्रोजेक्ट एरिया का 4% कमर्शियल स्पेस है जिसके अंदर शॉप्स वगैरह आएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जॉगिंग ट्रैक्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको किड्स प्ले एरिया भी आपको मिलता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन जिमनेजियम का भी ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK प्लस स्टडी के 2 टाइप के अपार्टमेंट हैं। पहला टाइप का अपार्टमेंट 643 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया
और जिसमें 103 स्क्वायर फीट 103 स्क्वायर फीट की बालकनी एरिया है। इस अपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट 26,22,160 रुपये हैं। 2 BHK टाइप 2 जिसका कारपेट एरिया 645.08 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 68.62 स्क्वायर फीट और टोटल कॉस्ट 26,14,630 रुपीस है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK टाइप 1 का टोटल कारपेट एरिया 326.47 स्क्वायर फीट और बालकनी एरिया 92.51 स्क्वायर फीट है। इस टाइप का टोटल कॉस्ट 13,52,135 रुपीस है। 1 BHK टाइप 2 जिसका कारपेट एरिया 312.47 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर बालकनी एरिया 92.67 स्क्वायर फीट और टोटल कॉस्ट 12,96,215 रुपीस है। 1 BHK टाइप 3 का कारपेट एरिया 314.41 स्क्वायर फीट का, बालकनी एरिया 77.82 स्क्वायर फीट का है। इस टाइप का टोटल कॉस्ट 12,98,550 रुपीस है। ये जो टोटल कॉस्ट है, इस जिसमें अभी आप इस प्रोजेक्ट को जब बुक कराते हैं, इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जब आप बुकिंग कराते हैं तो उसमें आपको 5% टोटल कॉस्ट का देना होता है। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट होती है 3 से 4 महीने के बाद में। अलॉटमेंट होने के बाद में अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर आपको 20% अमाउंट और देना होता है। इसके बाद 12.5% की 6 इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट से 6-6 महीने में होती रहेंगी। इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल 552 अपार्टमेंट जो है वो 2 BHK प्लस स्टडी है। अभी तक गुड़गांव में जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें से बहुत ही कम अब प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK प्लस स्टडी या 3 BHK के अपार्टमेंट होते हैं। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखते हैं कि 552 अपार्टमेंट थे डेवलपर ने 2 BHK प्लस स्टडी के बनाए हैं, जिसकी डिमांड आज की डेट पे सबसे ज़्यादा होती है। एंड यूज़र हमेशा 2 BHK प्लस स्टडी को प्रेफर करता है। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन की जो सबसे बड़ी USP है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो DLF की गार्डन सिटी टाउनशिप के अंदर का एक प्रोजेक्ट है। ठीक सामने अगर आप देखते हैं कि DLF का न्यूटन हाइट सेक्टर 91 में बना हुआ है। आपका जस्ट सामने राव भारत सिंह इंटरनेशनल स्कूल है जो रोड के अपोजिट है आपके। इसके साथ में मेरे साइट में अगर मैं बात करता हूँ जो एडजॉइनिंग आपके 2 कमर्शियल हैं, जिसमें आपका AMB सल्फ्रेस स्ट्रीट और आपका आम्या का सफायर 92 प्रोजेक्ट है। उसके साथ में आपका बेस्टेक का पार्क व्यू संस्कृति अपार्टमेंट है। इन सारे प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है उसके अंदर लोग आज से ही रह रहे हैं, यहाँ पर रेंटल भी बहुत अच्छा है। और ये जो नियर बाय जो भी अपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन अपार्टमेंट्स के अंदर जो स्टार्टिंग है, टोटल कॉस्ट की जो स्टार्टिंग है वो लगभग 90 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखते हैं कि आपको इतने बढ़िया लोकेशन पर, क्योंकि पूरी DLF की टाउनशिप है, आप सामने देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो 84 मीटर वाइड रोड से इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री, जिसमें 60 मीटर का मेन लेन और 12-12 मीटर के सर्विस लेन हैं। इस रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। स्टार्टिंग में इसके अंदर कमर्शियल होगा, कमर्शियल के बाद में इस प्रोजेक्ट का रेजिडेंशियल जोन स्टार्ट होता है। इस प्रोजेक्ट से अगर बात करते हैं, हम सेक्टर 92 में है। 92 से ही यहाँ पे पास में जुड़ा हुआ आपका मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बहुत सारे लोग जब यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनको रहने के लिए, उसको रेंट पे लिए, उन लोगों को जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा वो लोग इन्हीं इलाकों को प्रेफर करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि 22 से 26 लाख रुपए के बीच में जो अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप 1 BHK की बात करते हैं तो जो 12 से 14 लाख रुपए के बीच में, और 2 BHK जो प्लस स्टडी है वो लगभग 26 लाख रुपए के आसपास का आता है। इस बजट में यहाँ पे नियर बाई में अफोर्डेबल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट्री बताइए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर 9711178605 है। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, जिसमें आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई आपका कोई और सजेशन है, कोई आप कमेंट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय,